Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I hope that you are fine and enjoying good health. My name is Ishan Ali, and today I will discuss chapter number 9, Algebraic Identities of Class 7 Mathematics. So first of all, हम इसकी definitions की तरफ देखते हैं. पहली definition, algebraic identity से पहले मैं algebraic equation आपको बताना चाहूँगा. What is algebraic equation? An algebraic equation can be defined as a mathematical statement in which two expressions are set equal to each other. In simple words, equations mean equality, that is equal sign. इसकी example से देखें आपको clear out हो जाएगा कि दो algebraic expression जो हैं अगर वो equal sign से set कर दें हम उनको तो वो algebraic equation कहलाती है. जैसे 3x + 5 जो है आपके पास is equal to 14 आपके पास equation है जिसमें 3x + 5 और 14 जो है वो दो algebraic expression है. 14 भी algebraic expression है, 3x + 5 भी algebraic expression. ठीक है, दोनों सेपरेट हुई हुई है इक्वल साइन के साथ. ठीक है, तो वो इन अलजेब्रिक इक्वेशन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट. ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है आपके पास इक्वल होंगे. तो ये थी आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में यही फर्क है कि अलजेब्रिक इक्वेशन में इक्वालिटी साइन मस्ट आता है. ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज उसको देख लेते हैं. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर अलजेब्रिक इक्वेशंस. ठीक है, यहाँ ये अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं विच आर ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन दैम. ठीक है, जो हर वेरिएबल की वैल्यू में सेटिस्फाई कर रहा होता है, मतलब ट्रू स्टेट सेंस दे रहा होता है. इन एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू द राइट साइड ऑफ इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल. अच्छा, ये मैंने 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिख दी है जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी. इसको आपने याद भी कर देना और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ. ए प्लस बी का होल स्केयर जो होता है इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस 2ab + b² ये कैसे इक्वल होता है? आप ए प्लस बी को 2 times लिखेंगे और उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये ए स्क्वेयर प्लस 2ab + b² आ जाएगा. और सेकंड एग्जांपल ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab + b². तो इसमें आपने क्या करना है, ए माइनस बी को 2 times मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद यही आंसर आएगा. तो ये सही फॉर्मूला सीखे हुए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये सही लिखी हुई. थर्ड वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसी तरह हम ए प्लस बी और ए माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए. तो ये यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ ना विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू. ठीक है, तो इसको जरा समझिएगा कि इसमें ए और बी की कोई भी हम वैल्यूज इंटर करेंगे तो वो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर ए में हम 1 पुट करते हैं और बी में 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वेयर ऊपर लगा हुआ है तो वो 9 हो जाएगा. इस तरह यहाँ पे ए की जगह 1 पुट करना है और बी की जगह 2 पुट करना है तो 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा, 2ab, ए की जगह 1, बी की जगह 2, 2 times 4, और बी की जगह हमने 2 पुट किया था, 2 का स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. तो 4 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको समझा सकूं तो मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ. अगर फॉर एग्जांपल ए को 1 मैं कह देता हूँ और बी को 2 कह देता हूँ तो इसका 1 + 2 का तो स्केयर हो गया आपके पास 3 का स्केयर हो गया आपके पास 9. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें अगर मैं यहाँ पे ए में 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और 2 एज इट इज रहेगा, और ए में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 क्योंकि हमने 1 रखी थी, और बी में क्या पुट कर रहा हूँ, 2 और प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर क्या है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है हमारे पास. ठीक हो गया, 2 का स्क्वायर दिखा है आपको. तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 times क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ठीक है, और नेक्स्ट 1 2 का स्क्वायर है हमारे पास, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4. अब यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 4 + 4 8 + 1 9, और यहाँ पे क्या था, 1 + 2 का होल स्क्वायर क्या था, वो भी आंसर क्या आ रहा था, 9. 1 + 2 3 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9, और इसका भी आंसर क्या है, 9. तो इसी तरह जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आती है, बेशक आप जो मर्जी नंबर रख दें, ए की जगह कुछ भी रख दें, बी की जगह कुछ भी रख दें, जो ए की जगह आप नंबर रखेंगे ना वो आपने राइट हैंड साइड पे भी लिखना होगा. ठीक है, ए की वैल्यू.
उसके बाद कुछ एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 9 है आपके पास, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द स्केयर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट इसका पार्ट है 2a+1। तो इसका सोल्यूशन आप देखें, स्केयर का मतलब आपको पता है, यह पावर 2 जिसको कहते हैं। तो फाइंड द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग, 2a+1 का होल स्केयर फाइंड करना है आपने। ठीक है, 2a+1 का, तो आप गौर से देखें तो ये आपके पास बाइनोमियल का स्केयर आ रहा है। ठीक है, बाइनोमियल के सम का स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें हमने वही वाला फॉर्मूला यूज करना है आपने। ठीक है, ये जो आगे मैंने लिखा हुआ है, इसमें ए फर्स्ट टर्म है और बी क्या सेकंड टर्म, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए जिसको मैं कह दूंगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म होगी। तो इस पर आपने फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता था, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए का स्क्वायर। यहाँ पे ए का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे हम ए का स्क्वायर देखेंगे, प्लस आगे क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे ए की वैल्यू और फिर बी की वैल्यू, 2ab+b² यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में ए की वैल्यू अब क्या आ रही है, 2a, और बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो जहां जहां ए लिखा होगा वहां वहां आपने 2a पुट कर देना, और जहां जहां बी लिखा होगा वहां वहां आपने 1 पुटअप कर देना। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इट्स मीन यहाँ पे 2a आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो प्लस 2 तो फॉर्मूले का है, और a जो है हमारे पास वैल्यू क्या है, 2a, और b क्या है, 1 है, और प्लस b का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम 1 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर जो होता है 4a² होता है। ठीक है, 2 को भी हम 2 टाइम्स मतलब लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 टाइम्स 4, और एक a की पावर अगर 2 लिखेंगे तो a² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 2 2 टाइम्स 4 4a। ठीक है, तो यहाँ पे 4a आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अभी आगे मतलब सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स आ गए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसी तरह नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चंस भी हैं आपके पास, पार्ट 2 है आपके पास। पार्ट 2 आपके पास है 3b+2c, इसका भी हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3b+2c का होल स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो इसमें भी आप फॉर्मूला को देखेंगे, ये अब a की वैल्यू ये आ जाएगी 3b, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c। तो यहाँ पे क्या हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू, b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर, बहुत ईजी है। 3b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9b², और कोफिशियंट का सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म में, 3 2 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12 आ जाएगा। और बी सी जो है अनलाइक टर्म्स है मतलब वेरिएबल्स हैं, तो वो एज इट इज हम लिख देंगे। और 2c का होल स्क्वायर है हमारे पास, तो 2c का होल स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 4c² आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें थर्ड पार्ट देख लें, थर्ड पार्ट भी एज इट इज है, बस इसमें ए और बी की वैल्यूज जो हैं वो स्क्वेयर्स में आ रही हैं। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने नहीं होना इसमें। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। ठीक है, तो एज फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये सारों में फॉर्मूला मैंने आगे लिखा हुआ है, ये आपके पास ये जो है ना फॉर्मूला से मैंने लिखे हुए ए प्लस बी का उसके। तो ए प्लस बी का उसकेर क्या कहता है आपको, ए का स्क्वेयर दें फिर प्लस 2ab करें और प्लस बी स्क्वेयर करें। 2ab जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी वैल्यूज जो भी हम लिखेंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। तो a हमारे पास क्या है, 2p². अब a का स्क्वेयर था फॉर्मूले में, तो a की वैल्यू खुद क्या है, 2p², तो यहाँ पे 2p² का स्क्वेयर दे देंगे। ठीक है, ये आपने पॉइंट नोट करना है। उसके बाद प्लस आ जाएगा, फिर 2ab, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2p², तो मैंने यहाँ पे लिख दी। और ये देखें b की वैल्यू क्या है, 3q². ठीक है, तो मैंने 3q² भी लिख दिया। अब थर्ड वन देख लें, थर्ड टर्म जो है प्लस b² है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3q², तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसका होल स्क्वायर डाल दिया। इसी तरह 2p² का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4, और p² को हम 2 टाइम्स करेंगे तो p^4 आ जाएगी, p^4। इसी तरह 2ab का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, और p² q² एज इट इज आ जाएगा। ठीक है,
और थर्ड टर्म आप देखें, थ्री क्यू स्केयर है आपके पास, उसका होल स्केयर है, ठीक है। तो थ्री थ्री टाइम्स क्या हो जाएगा, नाइन, और क्यू स्केयर का स्केयर क्या हो जाएगा, क्यू की पावर फोर, ठीक है, क्यू रेज टू द पावर फोर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नीचे भी क्वेश्चन मैंने लिखे थे, लेकिन आप जो कि फर्स्ट टाइम इस फार्मूलाज को पढ़ रहे हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ना अच्छी तरह ये समझ आ जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम ना नीचे नीचे क्वेश्चन को देख लेंगे ना, क्वेश्चन नंबर टू को, ठीक है। ये सारे जो इसके पाँच पार्ट्स हैं, और आगे भी कोशिश करेंगे कि आगे भी हम कर दें, ठीक है। तो यहाँ तक जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जजाक अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।